हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसएसटी क्रैश कोर्स फॉर 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन के सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस याद नहीं है तो मेरी गारंटी है इस वीडियो के लास्ट तक में आपको याद जरूर हो जाएंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन सारे याद है तो इस वीडियो को देखते हुए आप ये सारे को रिविज़न कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स। यानी कि पहले के समय में महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉटन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लगा था, सेटअप हुआ था, उसका क्या कारण था? तो फैक्टर था सबसे पहले अवेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि कॉटन जो होता है वो आपका ब्लैक सॉइल में होता है, और ब्लैक सॉइल आपका महाराष्ट्र वाले इलाके में बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ से कॉटन जो है आपका रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता था। सेकंड पॉइंट आपका हो गया, रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल, यानी कि जो गुजरात महाराष्ट्र वाला इलाका में क्या हुआ था कि आपको बहुत सारा बंदरगाह है, यानी कि सी पोर्ट्स है, तो वहाँ पर आपको मार्केट बहुत ही जल्दी मिल गया। साथ ही साथ वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको जहाज़ से लेकर के और जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन चाहिए था वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाते थे, तो इसीलिए ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया। क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं, व्हाई इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया टुडे, गिव एनी थ्री रीजंस। इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्यों बना है इन टेक्सटाइल में, और कोई थ्री रीज़न को बताइए। तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो आपका टोटल 14% को कवर करता है ऑल ओवर इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली, इसमें 35 मिलियन पर्सन आदमी काम कर रहे हैं, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया, इट अर्न्स फॉरन एक्सचेंज ऑफ 24.6%, यानी कि 4% ऑफ जीडीपी का टोटल 4% वो आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होता है। रीज़न में आप ये भी रीज़न में लिख सकते हैं कि कॉटन जो आपका बेसिक नीड हो गया है कपड़े के लिए, तो कॉटन सबसे बेस्ट मटेरियल होता है कपड़ा के लिए, तो इसी कारण से आपको ये ज़्यादातर ग्रो किया है। क्वेश्चन नंबर थ्री में बढ़ते हैं, Why in recent years the sugar mills have shifted to southern and western states? तो फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि अभी कुछ सालों में शुगर का जो मिल है वो साउथ से एंड वेस्टर्न की तरफ क्यों शिफ्ट हो गया है। तो इसका कारण क्या है, द केन प्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न स्टेट्स हैज़ हायर सुक्रोस कंटेंट, यानी कि जो गन्ना होता है शुगर केन, उस वहाँ पर जो वेस्टर्न स्टेट्स का है वहाँ पर आपको सुक्रोस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सुक्रोस यानी कि जो चीनी का जो मिठास होता है। ठीक है, सेकेंड होता है आपका, द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, यानी कि आपको एक बार काट करके रख दिया जाए तो आपको तुरंत नहीं करना है, आप कुछ दिन और वेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही कूलर है, बहुत ही फेवरेबल है। थर्ड पॉइंट में आपका, द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स, तो ये सब स्टेट्स में क्या होता है, कोऑपरेटिव्स यानी कि बहुत सहभागिता से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटअप को देखा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, डिस्क्राइब एनी थ्री मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में कोई प्रॉब्लम्स को बताइए जो कि आपका वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर में देखा गया है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो प्रॉब्लम्स है आपका, ऑल दो प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड इट इज़ नॉट इनफ एंड इम्पोर्ट्स आर नीडेड, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज तो हो चुका है लेकिन ये अभी भी उतना ज़्यादा इनफ नहीं है, अभी भी इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई एंड आउटडेटेड मशीन्स, यानी कि जो मशीनरी जो सेटअप किया गया था कॉटन इंडस्ट्री में वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी का लाना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम हो रहा है। लो आउटपुट ऑफ लेबर्स, लेबर लोग स्किल्ड नहीं होने की वजह से वहाँ पे आउटपुट जो है वो कम है, और स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फैब्रिक्स, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा कंपटीशन मिल रहा है सिंथेटिक फैब्रिक्स से, क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक्स देखा गया है बहुत ज़्यादा सस्ता होता है इस कारण से। तो मेंशन द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट
टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स। जूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या आपका स्कीम चलाया है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द प्रोडक्ट ऑफ जूट आर, इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। यानी कि 2005 में आपको नेशनल जूट पॉलिसी को लाया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे इसमें नए नए टेक्नोलॉजी से इसमें कर सकते हैं इम्प्रूव, और इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। यानी कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आजकल देने का सोच रहा है कि आपको जूट का जो खेती है उसको फार्मर को कितना पैसा मिलना चाहिए, कम से कम उसको गवर्नमेंट तय कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका वी वी आई यानी कि ये क्वेश्चन एकदम 110% आएगा आपका, चाहे किसी भी लैंग्वेज में पूछे, किसी भी तरीका से पूछे, लेकिन आपका ये क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें आपको फैक्टर्स बताना है कि जिससे इंडस्ट्री इफेक्ट करता है इंडस्ट्री सेटअप में। सबसे पहला, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल अगर आपका सामने में है तो आपको बहुत ही जल्दी आप इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड हो गया चीप लेबर्स, लेबर सस्ता रहेगा तो प्रोडक्ट भी सस्ता बनेगा। थर्ड पॉइंट है आपका अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड बैंक फैसिलिटी। यानी कि किसी भी सेटअप करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमारे पास पूंजी होना चाहिए, साथ ही साथ बैंक फैसिलिटी होना चाहिए ताकि हम पैसा का ट्रांसफ़र कर सकें। अवेबिलिटी ऑफ पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी पावर सप्लाई भी वहाँ होना चाहिए ताकि हम अपना फैक्ट्री को चला सके। और प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, मार्केट सामने होना चाहिए, साथ ही साथ अवेलेबल ऑफ एडिक्वेट एंड स्विफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स आप किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।